मुंबई की 6 सीटों में से एक सबसे इम्पॉर्टेंट सीट है गोपाल शेट्टी और उर्मिला मातोंडकर की सीट। ये सीट काफ़ी चर्चित सीटों में से एक है, इसलिए हम बात करते हैं यहाँ के बीजेपी के उम्मीदवार गोपाल शेट्टी से। क्या बड़े मुद्दे रहेंगे इस बार के चुनाव में? देखिए, मुद्दे वैसे बड़े मुद्दों में एक ट्रैफिक की समस्या बहुत लोगों को परेशान करने वाली है, तो उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। रोड वाइडनिंग का काम हम कर रहे हैं, कोस्टल रोड का काम भी लगभग शुरू हो गया है। एक रोड हम दहीसर से विरार के लिए निकाल रहे हैं जो 25 मिनट में विरार पहुंचा देगा आपको, और उसी तरह से एक रोड दहीसर से मलाड हाईवे पर 12 मिनट में पहुंचेगा, जिसमें कहीं पर भी सिग्नल पर रुकना नहीं पड़ेगा। सभी जगह पर अंडरपास हमने दिए, ये मुंबई महानगर पालिका की ओर से हो रहा है। तो रोड वाइडनिंग के काम में और रोड कनेक्टिविटी हो या फिर नए रोड, ये सारे हो रहे हैं। एक बार मेट्रो का काम पूरा होकर, मेट्रो शुरू होने के बाद में रेलवे के ऊपर जो लोड है वो कम हो जाएगा। प्रतिदिन 10 लोगों की मृत्यु होती है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चिंता और वेदना की बात है, तो इससे हम छुटकारा पाएंगे। सरकार बहुत तेज़ी से काम कर रही है, लेकिन बैकलॉग इतना है, सुलझाना थोड़ा समय लगता है, लेकिन अंतिम पड़ाव पर है। बहुत जल्दी ट्रैफिक की समस्या भी हम सुलझा पाएंगे। लेकिन सर, जो मुंबई मेट्रो की आपने बात करी, देवेंद्र फडणवीस जी ने 2019 का टारगेट दिया था, क्या वो टारगेट आपको लगता है पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, स्पेशली इस वाली लेन में, अंधेरी टू मलाड में? देखिए, जब कोई भी सरकार या तो फिर हम लोग व्यक्तिगत भी जीवन में काम करते हैं, एक टारगेट को लेकर चलना ही पड़ता है। आप अगर टारगेट नहीं लोगे और टारगेट पहले से अगर आप लंबा देते हो, तो फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो उतना ढीला हो जाता है। इसलिए टारगेट कभी भी हमको अगर 5 साल लगता है तो हमने 3 साल का ही कहकर प्रारंभ करना पड़ता है। लेकिन इस बात को तो आप मानेंगे कि पिछले 10 साल में जिस तरह से कांग्रेस के ज़माने में मेट्रो का काम हुआ था, और इन 4 सालों में जितना हुआ, ये तो उल्लेखनीय तो है ही ना। लेकिन सर, अब इस सीट की बात करते हैं, ये सीट काफ़ी विचित्र सीट है, काफ़ी डिफरेंट सीट है। यहाँ पे 2004 से पहले राम नायक इस सीट से जीता करते थे, लेकिन 2004 में गोविंदा आए, उन्होंने ये सीट निकाली। अब यहाँ से कांग्रेस ने वही दाव खेला है उर्मिला मातोंडकर को। यहाँ पे कितना टफ फाइट आपको लगता है कि उर्मिला मातोंडकर के आने के बाद इस सीट पर? देखिए, जो जुगाड़ ये होता है ना, वो गर्दार बेचकर जुगाड़ खेलता है, ऐसी स्थिति कांग्रेस की हो गई है। अब उनके लिए बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं, तो इस रास्ते को अपना रहे। 2004 और 2019 में बहुत बड़ा बदलाव आया है। 2004 में लोकसभा जोगेश्वरी से पालघर तक हुआ करता था, और ये गोविंदा जी जो थे वो विरार का छोरा करके उनका नाम था उन दिनों में, और विरार के लोगों ने उसको बड़े पैमाने पे मदद किया, इसलिए वो उस समय पे वो सीट निकाल पाए। 2004 और 2019 में जो बदलाव आया है, मतदाता अभी जागरूक हो गया है, मतदाता विकास मोड की ओर देख रहा है, मतदाता अपने भविष्य की ओर देख रहा है, मतदाताओं को ये पता चल गया कि मेरी वोट की एक वैल्यू क्या है करके। तो इन सारी बातों को अगर आप देखेंगे, तो मुझे लगता नहीं कि कोई फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को उतारने से कोई सीट जीत जाएंगे। देखिए, हमारे पार्टी में से भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग लड़ते हैं, इसलिए हमारे लड़ते वो बहुत अच्छे और दूसरे के लड़ते वो बुरा, इस बात का मैं कभी भी उल्लेख नहीं करना पाऊंगा। लेकिन एक बात मीडिया के लोग भी क्यों भूल जाते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने एक पार्टी बनाई थी, एक ही चुनाव में भाग गए। इस बात को भी तो थोड़ा पब्लिक डोमेन में आप लोगों ने लाना चाहिए ना। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को लगा कि हमारे उम्मीदवार जीते तो हमने क्यों नहीं पार्टी बनाना चाहिए, तो देवानंद जी ने उन दिनों में पार्टी बनाई थी, एक ही चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया उनका, और वही फिर एक बार इधर उत्तर मुंबई में अभी दोबारा होने वाला है। लेकिन आपको लगता है कोई पोलराइजेशन हो रहा है इस सीट को, मराठी वर्सेस गुजराती, मराठी वर्सेस गुजराती मालवाड़ी? बिल्कुल नहीं। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग भारत को एक मानकर चलते हैं, अलग अलग राज्य है, अलग अलग भाषा है, फिर भी हम एक है, तो हम देश को केंद्र बिंदु मानकर चुनाव लड़ते हैं। और मेरे जैसे के लिए 27 साल नगर सेवक से लेकर सांसद तक मैंने जब काम किया है, तो मैंने गुजरातियों को जोड़ा है, मैंने मराठियों को जोड़ा है, मैंने उत्तर भारतीयों को जोड़ा है, मैं दक्षिण भारतीय हूँ इसलिए दक्षिण भारतीय तो मेरे साथ में है। हम सब भारत के लोगों के लिए काम करते हैं, और मेरा एक स्वभाव है कि मैं मानव को केंद्र बिंदु मानकर चलता हूँ। कौन सा भाषा का है ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। ये तो आपका पॉजिटिव पॉइंट है कि आप एक्सेसिबल एमपीज में से एक हैं। लेकिन सर, एक चीज़ और है, क्या आपको लगता है कि इस बार वो जो चीज़ आप कह रहे हैं 2004 रिपीट नहीं हो पाएगा, लेकिन जो महाराष्ट्र की मुलगी और गोपाल शेट्टी, ये जो वो जो दाव है वो कितना सक्सेसफुल होगा? देखिए, अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे, मराठी भी की अगर बात करते हैं, भाषा का भी एक अपना महत्व है। कर्नाटक में कर्नाटक का महत्व है, महाराष्ट्र में मराठी का महत्व है। अगर मराठी के बारे में भी अगर किसी ने ज़्यादा काम किया है, तो वो शिवसेना ने किया है, बाला साहब ठाकरे जी ने किया है, और वो हमारे साथ में है। मुद्दा नंबर वन बहुत लंबे समय होने के बाद में लोगों को थोड़ा बदलाव भी की अपेक्षा करते हैं, तो मनसे का जब जन्म हुआ तो मनसे ने फिर एक बार मराठी का मुद्दा उठाकर वो मार्केट में आए, लेकिन राज ठाकरे जी ने जिस प्रकार से पार्टी को हैंडल किया, काम किया, वो भी उससे उब गए। और
उन दिनों में जो मनसे को वोट मिला था, तो एक बात आपको ये भी मानना पड़ेगा कि वो मनसे का कैंडिडेट था इसलिए वोट मिला था। अब राज ठाकरे जी की हालत ऐसी है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा उनका आज हाल है, कांग्रेस के लोग उनको नज़दीक करना नहीं चाहते हैं। शरद पवार ने इतना प्रयास करने के बाद में भी कांग्रेस के लोगों ने, निरुपम जी ने और अशोक चव्हाण जी ने घस करके ना कहा कि हमको मनसे पास में ही नहीं चाहिए, और ऐसे समय पर राज ठाकरे जी ने जो रोल अदा किया है ये मनसे के कैडर को भी भाता नहीं है। मुझे आप बताइए, कोई भी मनसे का जो वोटर है आज उनके साथ में, वो हिंदुत्ववादी को मानने वाला वोटर है, कांग्रेस से वो नफरत करने वाला वोटर है, और राज ठाकरे जी कहेंगे इसलिए कोई जाकर पंजे पे बटन दबा देगा, ये सपने में भी सोचना गलत है। लेकिन सर, जब विधानसभा के चुनाव में इस ऐसी सीट थी मुंबई की जहाँ पे शिवसेना और बीजेपी में के बीच में काफ़ी रिफ्ट था, वो रिफ्ट क्या शिवसेना अभी भी अपने मन में रखी हुई है या प्रॉपर तरीके से बाहर आके आपके सपोर्ट करते हैं? देखिए, मन में नहीं है, इस बात का सबूत इस बात से मिलता है कि उद्धव ठाकरे जी अमित शाह जी का फॉर्म भरने के लिए गुजरात जाते हैं, बराबर है। इससे बड़ा एग्जांपल क्या हो सकता है कि सभी बातों को देखिए, बहुत बड़ा आपको जब टारगेट को पाना है, देश हित को जब आप देखते हो, हिंदुत्व को जब आप देखते हो, राष्ट्र हित के बारे में आप जब चिंता करते हो, तो छोटी छोटी बातों को भूल जाना पड़ता है, और दोनों पार्टियों ने छोटी छोटी बातों को भूल कर एक बड़ा जो मुद्दा है उस पर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इसलिए ये बातों का कोई इफेक्ट नहीं होगा। लास्ट चुनाव में आप करीबन 4 लाख वोटों की लीड से जीते थे, 4.5 लाख वोटों की लीड से जीते थे, इस बार क्या उम्मीद लगती है, कितनी लीड आप देखते हैं इस बार? इस बार कांग्रेस के लोग भी हमको मदद करते हैं, इसलिए हमारा लीड पहले से भी ज़्यादा बढ़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 2014 में 2 विधायक थे, तो आज हमारे 4 विधायक हमारे हैं, शिवसेना का 1 विधायक 5 है, 6 में से 3 हमारे MLCs है, 2 BJP के और 1 शिवसेना के, तो 8 विधायक है। 2014 में हमारे पास 12 नगर सेवक थे, आज भारतीय जनता पार्टी के 24 है और 13 शिवसेना के हैं, 42 में से 37 नगर सेवक हमारे हैं। इन सारे लोगों ने काम किया है, नगर सेवक से लेकर सांसद तक, हमारा कैडर इतने ज़ोर से रोज़ काम कर रहा है, और माइनस पॉइंट सब कांग्रेस के तरफ है और प्लस पॉइंट सब हमारे तरफ है। हमारे पास कोहिनूर का हीरा नरेंद्र मोदी जी जो है, जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट बन गया है पूरे हिंदुस्तान में, और देश को जब इतना बड़ा गौरव प्राप्त करके दिया हमारे नेतृत्व ने, और कांग्रेस के नाम लेने के लिए भी लोग कतराते हैं, उनके लीडरशिप क्वालिटी को देखो और हमारे लीडरशिप क्वालिटी को देखो, तो ये सारा जो गणित है, ये गणित ही इस बात का संकेत देता है कि गत बार से भी, मैं उत्तर मुंबई की नहीं बात करता हूँ, उत्तर मुंबई में तो हम गत बार से ज़्यादा लीड से जीतेंगे, लेकिन पूरे देश में जो लोगों को ऐसा लगता है कि मोदी लहर नहीं है, मोदी लहर 2014 से भी 2019 में ज़्यादा है, ये मतदान के काउंटिंग के दिन आपको पता चलेगा। सर, आप मुंबई के अध्यक्ष रहे हैं बीजेपी के, 6 सीटों में से कितनी सीटें इस बार आपको लग रही हैं कि आती हुई दिखती है? 6 के 6 सीट जीतेंगे हम, 6 के 6 सीट जीतेंगे हम। पिछली बार की ज़्यादा मार्जिन के साथ? देखिए, मार्जिन कहीं पर ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन सीट 6 के 6 हम जीतेंगे। मार्जिन कम, कहीं MNS फैक्टर यहाँ पे दिखाई देगा? नहीं, MNS फैक्टर का मैं आपको कहता हूँ कि कोई वोटिंग में इफेक्ट नहीं होगा, वोटिंग में MNS फैक्टर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। मैं जब ज़्यादा कम की बात करता तो गए बार से ज़्यादा भी लीड होगा ना, आप कम को भी पकड़ते हो, गए बार से ज़्यादा भी हो सकता है सब जगह पर। ठीक है, थैंक यू सर।